ये फ़र्क खुद दिखेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। आज मैं आपके साथ एक फेस पैक लेके आई हूँ। तो ये फेस पैक मैं कई बार अपने वीडियो में ब्लॉगिंग की वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा रेगुलर का ब्लॉगिंग का ही रहता है। थोड़ा बहुत कभी कभार कुकिंग का या ब्यूटी टिप्स का ऐसे कुछ रहता है, वरना रेगुलर का ब्लॉगिंग का रहता है। मैं अपने ब्लॉगिंग में कई बार दिखाई हूँ कि मैं फेस पैक ये लगाती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत लोगों जिनको केवल फेस से रिलेटेड कुछ भी देखना होता है तो वो नहीं पसंद करते हैं पूरा ब्लॉगिंग देखें और फिर उसमें कुछ भी फेस पैक देखें या कुछ भी देखें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि ये इतना फ़ायदे वाला फेस पैक है ना, कि फिर मुझे लगा कि एक ऐसे वीडियो बना देते हैं जिससे कि जिसको देखना हो, जिसको मतलब अपने फेस पे लगाना हो तो वो इस तरह से फेस पैक देख के लगा ले, वरना ब्लॉगिंग वाले में तो लोग स्किप कर करके देखते हैं तो पूरा दिखता भी नहीं है। कहीं भी आप अगर हैवी मेकअप करके जा रहे हैं और फिर उसके बाद जब मेकअप हटा रहे हैं तो मेकअप हटाने के बाद कोई ना कोई फेस पे पैक ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये फेस पैक लगाएंगे आप तो जो स्किन का हैवी फील होता है तुरंत आपको लाइट फील होगा। और मैं ये फेस पैक ज़्यादातर रात में सोने से पहले लगाती हूँ और बहुत आसान है, बहुत कुछ इसमें तामझाम भी नहीं है। फेस पे लगा के किचन में काम भी कर ले, सूख जाता है उतने देर में। तो वैसे तो बहुत हाउसवाइफ ऐसी हैं जो अपने फेस के लिए बहुत कुछ करती हैं, जो नहीं करती हैं उनके लिए भी ये है कि बहुत आसान है। बस 2 से 3 मिनट फेस पे मतलब लगाने में जितना समय लगेगा बस उतना ही, उसके बाद तो सूखते समय तो आप जो भी काम चाहते हैं वो कर सकते हैं तो सूख जाएगा। इस फेस पैक को आप चाहें तो अगर रेगुलर लगाते हैं, मैं तो कभी साबुन से अपने फेस को धुलती ही नहीं हूँ, फेस वॉश से या कभी स्क्रब कर लेती हूँ, कभी फेस पैक लगा लेती हूँ, कभी कुछ भी कोई मतलब सप्ताह में ये नहीं रहता कि 7 दिन केवल फेस वॉश से मुँह धुलना है, कुछ ना कुछ चेंज करके। और मुश्किल से 2-3 मिनट, ये नहीं कि प्रॉपर 10-15 मिनट चेहरे पे, क्योंकि सुबह सुबह समय नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि कुछ ना कुछ चेंज करके लगा लेती हूँ। तो ये सबको लगाना चाहिए और इसको अगर आप रेगुलर लगा सकते हैं तो भी और ज़्यादा फायदे करेगा, और अगर आप रेगुलर नहीं भी लगा सकते हैं तो संडे के दिन ज़रूर एक संडे का दिन रख लीजिए कि संडे के दिन इसको लगा लेना है। तो चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बताते हैं कि क्या लगाना है। मुल्तानी मिट्टी को पहले तो गुलाब जल से जैसे नॉर्मली पैक बनाते हैं वैसे बना लेंगे, और उसमें सिर्फ एक चीज़, ये विटामिन ई की कैप्सूल, एक कैप्सूल एक बार के फेस पे लगाने के लिए फेस पैक में एक कैप्सूल मिला के लगा लीजिए, और उससे आप खुद फ़र्क दिखेंगे। बहुत हल्का फील होता है लगाने के बाद, बहुत हल्का फील होता है और स्किन जो ऑयली रहता है, और मतलब वैसे तो आप केवल मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लगा लीजिए तो भी बहुत फ़र्क दिखता है, लेकिन एक इसके लगा लेने से, इसमें विटामिन ई की कैप्सूल डाल देने से बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क अलग ही दिखता है। तो इसको तो हर किसी को अपने घर में विटामिन ई की कैप्सूल को रखना ही चाहिए, जो भी अपने फेस से या फिर अपने बाल से प्यार करते हों उनको तो घर में ये कंपल्सरी रखना चाहिए। कोई भी फेस पैक बनाए, हेयर पैक बनाए तो उसमें इसको मिला लीजिए तो बहुत इसका बहुत फ़ायदा दिखता है। फिर लगा के अपने फेस पे दिखाते हैं। मैं जो भी फेस पैक बनाऊं, हेयर पैक बनाऊं या कुछ भी बनाऊं तो मैं खुद आपके सामने अपने फेस पे लगा के दिखाती हूं। ऐसा नहीं होता कि केवल मैं आपको बता देती हूं और फिर मैं खुद पे नहीं करती हूं। मैं जो खुद पे करती हूं वही आपके साथ शेयर करती हूं। अगर कोई चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं करता तो फिर मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करती हूं। मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच ले लिया है, फिर इसमें गुलाब जल डाल के। और अगर आप अपने फेस पे कुछ भी नहीं करते हैं तो ये करके देखिए, बहुत फ़र्क आपको दिखेगा। और एक बार मेरे कहने पे कहीं भी आप बाहर जाएं या कोई भी हैवी मेकअप करें तो उसके बाद जब मेकअप अपने चेहरे से हटाएं तो ये फेस पैक ज़रूर लगा लें। काफ़ी हल्का फील होता है, जो फेस पे भारी भारी टाइप का फील होता है उससे काफ़ी हल्का फील होता है। फेस से और बालों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, आपके लाइक करने से हमें हिम्मत मिलती है
कि और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और इस फेस पैक को आँखों के नीचे भी लगा लेंगे। अच्छे से चारों तरफ लगा के फिर जितने देर में सूख जाए, 10 मिनट 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में सूख जाता है। पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिए हैं, तो अभी सूखने के बाद मिलते हैं। अभी देखिए अच्छे से सूख गया है। और मुल्तानी मिट्टी में वो विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए होने से पूरा वाइट वाइट नहीं सूखता, थोड़ा सा डार्क कलर रहता है। अभी इसको पोंछ लेते हैं। पहले इसको अच्छे से गीला कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है। देखिए फर्क खुद दिखेगा। ये अच्छे से पोंछ लिए हैं। तो कोई भी फेस पैक लगाइए या मसाज करिए तो लास्ट में इस जेल को ज़रूर लगा लीजिए, एलोवेरा जेल। अब बिल्कुल थोड़ा सा क्रीम की तरह लेके, तो खुद देख सकते हैं कितना स्किन बहुत जैसे हल्का और ग्लो फील खुद होता है। तो इससे काफ़ी आपका चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और आपका ग्लो बना रहता है। और कलर का तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आपका जो रियल कलर है वो बहुत चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर बार बार अपने चेहरे पे कुछ करेंगे तो उससे धीरे धीरे ग्लो समझ में आता है, चेहरे में शाइनिंग बनी रहती है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।